डर जाता हूँ। गद्दार घोड़ा दुंदार साहब, आपने यहाँ खुद चलकर आने की हिम्मत की, जरूर कोई अहम मसला होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। उस्मान को पता चल गया है कि कुमार इदरीस को मैंने मारा था। और क्या कुछ पता चला उसे? क्या ये काफी नहीं है? पेट्रोस, क्या उसे ये पता है? फिलहाल सिर्फ मुझे, मेरे पास छुपने की कोई और जगह नहीं निकला। गोल किला दोस्त इसी दिन के लिए होते हैं तुंदार साहब। मेरा कला आपका घर है। शुक्रिया। मैं अपनी बीवी को इस किले में लाना चाहता हूं। तुंदार साहब, आपका रंग पीला पड़ गया है। पुरसुकून हो जाए, बैठे। रंग पीला पड़ गया है। गजल खातून भी आपकी तरह यहां मेरी मेहमान होंगी तुंदार साहब, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कैसे? कालानोस और उसके सिपाही तो गाय के सारे जंगजू उस्मान के ही हाथों मारे गए। तुंदार साहब, ये तो अच्छा है, अब मैं और उस्मान अकेले रह गए हैं। अब कोई खेल नहीं, हम दोनों को वही मिलेगा जो हम चाहते हैं। अब आप पुरसुकून हो जाएं और थोड़ा आराम करें। कमांडर मिकिस, मिकिस, तुंदार साहब का कमरा तैयार करो इनके आराम के लिए। बकरे को खिला पिला रहे, बाद में काटेगा इसको। क्या बात है बाला खातून, क्या आप यहाँ हिसाब किताब करने आई हैं? मुझे अकेले में बात करनी है आपसे। मुझे जरा जल्दी है बाला खातून। बहुत हो गया खातून, अब मुझे बात करनी है। अकेले में बात करना चाहती हूँ। रास्ता क्यों रोका बाला खातून, मुझे बताएं आपका मसला क्या है? आपने क्यों इस तरह का खेल खेला? इस बात को क्यों छुपाया कि अंगूठी मिली? और फिर गद्दार की बात करती रही। आपने बात छुपाई और हमसे मुसलसल सबूत और हिसाब मांगती रही। इसका जवाब मैंने उस्मान साहब को दे दिया। अगर उसका हिसाब उस्मान साहब के बजाय मुझे देती तो तुम्हारा ये महरूर सर आज तुम्हारे शानों पर ना होता। जा रहे हैं। चलो सिपाहियों, अंधेरा हो रहा है।
बिना बोले चली गई भाई। इतनी सी बात करनी थी बाला खाते वो तो बात ऑलरेडी कर ली उस्मान भाई ने। आखिर अब आप क्या कर रहे हैं बाबा? तो फिर उस्मान ने कोई नाम नहीं बताया ऐसा है? उस्मान साहब बहुत मोहतात हैं। अंगूठी देने पर बजाय ये कहने के अल्लाह आपसे राजी हो, वो देर से देने का इल्जाम लगा रहे हैं। वो तकलीफ में है, इस वक्त उनका गुस्से में आना पाक है, लेकिन उनका रवैया दुश्मनी का बाइस बन रहा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ बहादुर। आपके हुक्म के मुताबिक हमने कबीले के इर्द गिर्द सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी है हुजूर। शाबाश, अपनी आंखें खुली रखना। क्यों? तो गाय एक डरपोक सांप की तरह है, कुछ मालूम नहीं कि कब और कहां डस ले। फिक्र न करें हुजूर। डरपोक सांप। क्या हुआ मलहून, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? उस्मान साहब को हम पर भरोसा नहीं है, आखिर ये रवैया हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? सही से रहो। जो होना था हो गया, मजीद परेशान ना हो। खाना खाओ। अब मैं इजाजत चाहूंगी। ठीक है, इजाजत है, जाओ थोड़ा आराम करो, बेहतर महसूस करोगी। मुझे लगता है मुझसे ये कुछ छुपा रही है। क्या छुपा? अल्लाह बेहतर जानता है। मुझे भी बताओ यार। उसकी अंगूठी वाली बात छुपाने से मुझे बहुत गुस्सा आया और इसीलिए मैंने उसे जवाब तलब किया। मकसद क्या था बाला? दरअसल उससे सिर्फ हिसाब लेना चाहती थी मैं। क्यों गुस्सा दिला रहे हो ऐसे? तो हिसाब लेना मकसद था। मैं अंदर आ सकती हूँ उस्मान साहब? अरे तो वो है गजल। हाँ, गजल 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 गजल। आइए आइए आइए। कैसे आ रही देखा? वैसी की वैसी। इसको थोड़ी पता है क्या हुआ है। खैरियत तो है गजल खातून? दुमदार साहब की कोई खबर नहीं है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। क्या आपके पास उनकी कोई खबर है? जब आप ही नहीं जानती तो फिर कोई और कैसे जानेगा? आपके चेहरे को देखकर तो लग रहा है कि आप ये जानती हैं कि वो कहाँ है। अरे अरे अरे, चेहरा देख, आंखों में पानी। मैं नहीं जानती उस्मान साहब। टेंशन। अगर जानती टेंशन हो रहा, टेंशन। तो आपसे क्यों पूछती? जानती है।
कल आप मेरे साथ लंगर खाने आएंगी, आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी मुझे। वहां आने से आप थोड़ा मशगूल हो जाएंगी। ठीक है, क्या म्यूजिक चल रहा? जरूर आऊंगी बाला खातून, तब तक सोच से खबर भी जरूर आ जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। जाइए, एंजॉय करिए, कान नहीं लगाना। डर रही थी भाई, डर रही है। तो दरअसल कहाँ है गजल खातून नहीं जानती। उनकी सारी परेशानी उन खेलों की है जो उन्होंने मिलकर रचाए हैं। कहो क्या है? हमने सऊद पे सबसे पूछा, लेकिन किसी ने वहां पर दुंदार साहब को नहीं देखा है। भाग गए ऐसा लगता है मुझे। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने पर पहुंच जाए, मेरे गजब से वो नहीं बच सकता। दुंदार चचा के खेमे की निगरानी करते रहना। ठीक है भाई, जो आपका हुक्म हुजूर। उस टाइम तो जहाज भी नहीं होता था, एरोप्लेन, फ्लाइट। तुम्हारे मसले पर बात करें, किधर भी नहीं भाग सकता। जैसे तो कहाँ ही जाएगा, निकोला के पास। तुम्हारा फरीसा गजल खातून पर नजर रखना है, वो ही चचा तक लेकर जाएगी। इस बात की फिक्र ना करें, मुझे इजाजत दीजिए। गाइस, ये था हमारा रिएक्शन ऑन कुर्लुस ओस्मान सीजन 2 एपिसोड नंबर 115। जबरदस्त एपिसोड था ये। एंड अभी दुंदार चीचा कहाँ पे है किसी को पता नहीं है। पेड्रोस विद्रोस इनका भी कुछ अभी तक आता पता नहीं है। देखते हैं आगे क्या होता है, इंटरेस्टिंग तो होगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी।